दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 100 जयंती साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 25 अगस्त से शुरू हुए कार्यक्रम के क्रम में मंगलवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में किया गया। भाषण प्रतियोगिता में जल है तो कल है विषय पर शहर के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहे छात्र छात्राएं जल संरक्षण पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। भाषण प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को 31 अगस्त को हो रहे समापन समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के डॉक्टर कृष्ण मुरारी पाल, डॉक्टर जनार्दन सिंह व डॉक्टर अनूप राय और भाषण प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर राकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए भाषण प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा, मैं आज जिस विषय पे आप सभी के सामने कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है जल ही जीवन। चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, फिर भी यहाँ का जल स्तर क्यों इतना कम है? ये कुछ ऐसे विचार थे जो इस मंच से प्रस्तुत करके हमारे साथी गए हुए। साथियों, यही विचारधारा होती है जब हमारे शिवालयों में यह कह दिया जाता है कि आप दूध से अपने शिव का स्नान नहीं करा सकते हैं। आप कुछ दिन बाद ये भी कहेंगे कि आप पानी से स्नान नहीं कर सकते हैं। ये कौन सी विचारधारा होती है? उस पानी को उपयोग करना है तो सीमित करके कीजिए। हम स्नान भी करेंगे और दूध से शिवालय में रुद्राभिषेक भी करेंगे कि उसको तुलसी पत्र डाल अगर भी शुद्ध किया जा सकता है। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि आयुर्वेद की संस्कृति हमारे भारत वर्ष से समाप्त हो चुकी है। हम अपनी सभ्यता से पिछड़ी हो गया। इन्होंने क्या कहा था? कहा था कि चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंतन चिंतन से स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस परिस्थिति में हैं। समस्या के रूप में माना है, कहते हैं अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है और हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास ही होता है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव होता है। हाथ बांधे क्यों खड़े हैं कि हमारे शरीर का एक अंग गिर जाता है? बात करते हैं अपने शरीर की, हम दुनिया की बातों में कहते हैं, वैश्विक स्तर पे बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय संबोधित कर रहे हैं कि जल के ऊपर संकट है, जल की समस्या हो रही। बचेंगे नहीं तो हम नहीं बचेंगे क्योंकि जल है तो कल है। कहते हैं भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है, लेकिन क्या सभी को यह मालूम है कि जो युवाओं की शक्ति है, राष्ट्र युवा है, वह हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। अब जरूरत है हमें जागरूक होने की। डॉक्टर राकेश, 100 जयंती समारोह जो साप्ताहिक मनाया जा रहा है महाविद्यालय के अंतर्गत, आज हिंदी भाषा प्रतियोगिता है रखी गई है। उस प्रतियोगिता के संयोजक मैं हूं, डॉक्टर राकेश सिंह, हिंदी विभाग प्रवक्ता। तो इस प्रतियोगिता में जो भी पर्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे उन बच्चों को महाराज जी के द्वारा 31 तारीख का समापन है तो पुरस्कृत करने का विचार बनाया गया है। और महाविद्यालय, शहर के महाविद्यालय लगभग 7 या 8 महाविद्यालयों विद्यालय के बच्चे आए हैं, जैसे प्रतिभागियों की संख्या 43 है। अब 43 में जो 3 पुरस्कृत हमको करना है, जिसको निर्णायक हमने बुला लिया है, प्रतियोगिता हमारी चल रही है। निर्णायक मंडल में कौन-कौन शामिल है? निर्णायक में हैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी पाल हैं, जो द्रौपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय सिहोरवा कौड़िया जंगल कौड़िया के प्रिंसिपल हैं ये। और दूसरे निर्णायक हैं डॉक्टर जनार्दन सिंह, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से हमने लिया है, क्योंकि प्रतियोगिता ये समसामयिक विषय पर रखी गई है, न कि कोई विषय अलग से, कोई विषय विषय विशेष पर नहीं है, समसामयिक विषय है, जल है तो कल है, इसलिए इंटर कॉलेज से हमने लिया है। और एक निर्णायक यहीं महाविद्यालय के डॉक्टर अनूप राय जी को हमने लिया है।